सो हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। सो दोस्तों, ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाला है अमृत उद्यान से लेकर। तो दोस्तों, अमृत उद्यान फिर से ओपन होने वाला है आम जनता के लिए। ये कब से कब तक ओपन रहेगा, इसकी टाइमिंग, लोकेशन, टिकट आप ऑनलाइन कैसे बुकिंग कर सकते हैं, ऑफलाइन आपको टिकट कैसे मिलेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो में बने रहिएगा और आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी इस वीडियो में। उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो स्टार्ट और आपको सारी इन्फॉर्मेशन मुगल गार्डन से रिलेटेड देते हैं। मुगल गार्डन अपने किस्म में ही एक अकेला ऐसा उद्यान है जहां विश्व भर के रंग बिरंगे फूलों के साथ साथ आप अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों की प्रजातियां भी देख सकते हैं, जहां आपको कैक्टस की प्रजाति भी देखने को मिलेगी। यह गार्डन पूरा 13 एकड़ में फैला हुआ है। यह उद्यान 4 भागों में बटा हुआ है। यहाँ कई छोटे बड़े बगीचे हैं, जैसे पर्ल गार्डन, बटरफ्लाई गार्डन, सर्कुलर गार्डन इत्यादि। बटरफ्लाई गार्डन में फूलों के पौधों की बहुत सी पंक्तियां लगी हुई है। यह माना जाता है कि तितलियों को देखने के लिए यहाँ ये जगह बहुत ही बेस्ट है। मुगल उद्यान में अनेक प्रकार के फूल देखे जा सकते हैं, जिसमें गुलाब, गेंदा, स्वीट, विलियम, इवन आप यहाँ पर हर प्रकार के ट्यूलिप भी देख पाएंगे, जो कि अलग अलग कलर्स के होंगे। इस बाग में फूलों के साथ साथ जड़ी बूटियाँ और औषधियाँ भी उगाई जाती है। इसके लिए एक अलग भाग बना होता है जहाँ पर आप औषधि या जड़ी बूटी देख सकते हैं, उसे औषधि उद्यान कहा जाता है। आइए बात कर लेते हैं कि आप अमृत उद्यान में विजिट कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर टिकट कैसे आप बुक कर सकते हैं, साथ में ये कब खुलेगा, टाइमिंग क्या रहने वाली है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको अब मैं देने वाली हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 14 अगस्त को अमृत उद्यान का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद 16 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक यह गार्डन 10 सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक आम जनता के लिए खोला जाएगा। मंडे ये क्लोज रहेगा। मुगल गार्डन में लास्ट एंट्री शाम के 4 बजे तक आप यहाँ पर कर सकते हैं। आपको 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक के स्लॉट मिलते रहेंगे, तो आपको जो टाइम सुटेबल हो आप उस स्लॉट का टिकट बुक कर सकते हैं। आइए बात करते हैं कि आप जो है ऑनलाइन टिकट और ऑफलाइन टिकट कैसे बुक कर सकते हैं। पहले बात करते हैं ऑफलाइन टिकट की। तो ऑफलाइन टिकट के लिए आपको, जब आप अमृत उद्यान पहुँचेंगे, आपकी एंट्री गेट नंबर 35 से होगी। गेट नंबर 35 के बाहर ही आपको एंट्री गेट पर ही आपको एक मशीन मिलेगी, जिसमें आप ऑफलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना आधार कार्ड अपने पास रखना होगा। अब बात करें अगर ऑनलाइन टिकट की, तो ऑनलाइन टिकट के लिए आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। बाकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप वहां से लिंक पर क्लिक करके अपनी टिकट बुक कर सकते हैं। जैसे ही आप लिंक क्लिक करेंगे, आपको इस तरीके की वेबसाइट देखने को मिलेगी अमृत उद्यान की। तो आपको सबसे पहले जो है ऊपर बुक नाउ का जो ऑप्शन आ रहा है, आपको बुक नाउ पर क्लिक करना है। जो ये रेड कलर का लिंक बना हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे, इस तरीके का आइकन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर माई बुकिंग लिखा हुआ है। इसके लिए आप आगे अगस्त 2024 का ये स्लॉट है सारे के सारे, 16, 17, 18, 19 को ये बंद रहेगा। इस तरीके से आप जहाँ पे ग्रीन बन रहे हैं इन पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। आप अभी भी बुकिंग कर सकते हैं 14 अगस्त को भी। उसके बाद ये टाइमिंग का स्लॉट है, आप टाइमिंग अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए। आपके साथ अगर बच्चे जा रहे हैं तो बच्चे की क्वांटिटी इसमें लिख दीजिए, आप खुद कितने जा रहे हैं वहाँ पर आप। उसके बाद आप कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद इस तरीके का आइकन कुछ खुल जाएगा, जिसमें आपका जितना भी मोबाइल नंबर से लिंक होगा तो अपना मोबाइल नंबर डाल लीजिए, OTP आएगा, OTP से वेरीफाई कीजिए। उसके बाद कोई इस तरीके की डिटेल आपको भरनी होगी और आपका आधार कार्ड के नंबर भी इसमें मेंशन होंगे। उसके बाद आपकी जो टिकट है वो बुक हो जाएगी, सक्सेसफुल हो जाएगी। आपके पास ईमेल और मैसेज दोनों आ जाएगा, फिर आप इजीली यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। गार्डन अपने किस्म का अकेला ऐसा उद्यान है जहाँ विश्व भर के रंग बिरंगे फूलों के साथ आप काफ़ी प्रकार के प्रजाति के पेड़ पौधे आप एक साथ देख पाएंगे। काफ़ी जड़ी बूटी वाले पौधे भी आप देख पाएंगे, कैक्टस की प्रजाति भी आप यहां पर देख पाएंगे। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं आप पहुंचोगे कैसे यहां पर। अगर इसके लोकेशन की बात करें तो ये राष्ट्रपति भवन, प्रेसिडेंट स्ट्रीट, न्यू दिल्ली 1104 में पड़ता है। और इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पड़ने वाला है। आप अपने कन्वेंस से आ सकते हैं, लेकिन आपको पार्किंग का काफ़ी थोड़ा बहुत इश्यू यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप मेट्रो से ही आइए, वहाँ से आप ऑटो लेके इजीली यहाँ तक पहुँच सकते हैं।
वैसे तो दोस्तों अमृत उद्यान जो है फरवरी के मंथ में ओपन होता था, साल में एक बार ओपन होता है, लेकिन 2023 से ये अमृत उद्यान साल में दो बार ओपन होने लग गया है। एक फरवरी के सुहाने मौसम में ये ओपन होता है, दूसरा मानसून के मंथ में यानी कि अगस्त के मंथ में ये ओपन किया जाता है। तो मानसून में भी अब आप अमृत उद्यान का लुत्फ उठा पाएंगे, आप इधर विजिट कर सकते हैं। अगर आप नेचर लवर है ना तो ये जगह आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। तो आइए और विजिट कीजिए अमृत उद्यान में, और कैसी लगी आप सभी को ये जानकारी कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताना, और बाकी आप इंजॉय कीजिए अमृत उद्यान के कुछ सिनेमैटिक्स व्यू जो कि आपको देखने चाहिए।